दाऊ का जो जन्मदिन है और हलछट माता के व्रत को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की और पूजा अर्चना की। महिलाओं का कहना है कि व्रत को रखने से बिना हल से जुते हुए अनाज का सेवन किया जाता है और हल की पूजा की जाती है। यहाँ आज भाद्र व्रत की हलषष्ठी मना रहे हैं, है ना। सब महिलाएं आज हलषष्ठी त्योहार पूरा ऐसे मना रहे हैं और ये कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं। साल भर का त्योहार है, मना रहे हैं। इस त्योहार में ऐसा क्या विधि विधान करते हो आप लोग? पूरा इसमें भैंस का दही, भैंस का दूध, भैंस का घी, हर चीज पूरा चलता है और पसहर चावल का भोग लगाते हैं। इसमें बिना हल चले भूमि का अनाज ग्रहण कर रहे हैं। मुंगेली जिले के भतरिया में मनाया गया छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार हलषष्ठी नगर में श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने संतानों की लंबी आयु की कामना को लेकर यह व्रत, निर्जला व्रत जो है वो रखा। अगलसरा में भी माताओं ने अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए हलषष्ठी का व्रत रखा। इस दौरान उन्होंने घर पर ही तालाब का निर्माण करके पूजा की और महुए के फल का प्रसाद दिया। गरियाबंद में हलषट का त्यौहार मनाया गया और इस दिन कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। मुंगेली जिले में भी हलषट त्यौहार क्योंकि बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और महिलाओं ने बाबा भोलेनाथ के मंदिर में भगवान बलराम की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। आज देखिए, आज भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी है। यह षष्ठी पूजा जो सुहागन है वो अपने बच्चों के लिए और पतियों के लिए रखती है। खास कर यह पूजा बच्चों के लिए की जाती है। टाइम मेरे को अच्छा लग रहा है काफी। शादी के बाद पहला पूजा है मेरा, ये हो रहा है बच्चों के लिए रखा जाता है। उपवास रहते हैं बच्चों के लिए, सुबह से उपवास रहते हैं, शाम के पसहर चावल के फरार करते हैं। भले संतान की दीर्घायु और आरोग्यता के लिए महिलाओं ने हलछट त्योहार की बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना की और बलदाऊ समेत हलछट माता से प्रार्थना की। महिलाएं बलदाऊ की पूजा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की। बच्चों के दीर्घायु के लिए रखती हैं, साथ ही अपना अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं और इस हेतु ये किया जाता है। और इस समय तो लॉकडाउन के कारण ऐसा है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम ये पूजा यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये त्यौहार में हम माता मन है सब अपन बच्चन मन के दीर्घायु के कामना। रायपुर के तिलदा एवरा में हलषष्ठी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। त्यौहार पर कोरोना संक्रमण का असर देखने को जरूर मिला। इस दौरान महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने घरों में ही पूजा अर्चना की।